हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू तो आप सभी का ई सी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है तो जैसा अभी अपना एच का एग्जाम हुआ है तो सभी बच्चे बहुत ज़्यादा एकदम से ऐसे चिंता में होते तो उस टाइम पे हमने क्या मैराथन क्लास लगाई थी तो उस मैराथन क्लास से बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ जो बच्चे डेली मैराथन क्लास लेते थे ना उनके उस मैराथन में से इतने सारे क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपको बता दूँ स्टेटमेंट की स्टेटमेंट उठ के भी 24 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे 23, 24 लगाओ मैंने खुद गिने बैठ के कि स्टेटमेंट बिना चेंज हुए ऐसे कैसे उसमें आ रखे तो कुछ क्वेश्चंस का मैं प्रूफ लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा तो विश्वास हो कि कुछ ना कुछ तो है एकेडमी में बात है ना तो देखो ये किडनी की यूनिट पे भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी किडनी की यूनिट होती देखो ऐसे कैसे पढ़ा रखा था मैंने ठीक है और भी क्वेश्चन है जैसे कौन सा पर तो नाइट विटामिन ए, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे ऐसे कैसे उसके बाद ऑफ का दूसरा नाम तो ये क्वेश्चन भी करा रखा तो मैंने बस कुछ क्वेश्चन ही मैं ऐसे लेके प्रूफ के हिसाब से क्योंकि देखो मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊं कौन सा कौन सा लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए थे और अपने मॉक टेस्ट से भी आए थे जो हमारा जो ए एन का जो मॉक टेस्ट है ना उसका तो प्रूफ कैसे दिखाऊं जैसे कि जैसे क्वेश्चन लिखे के होना वैसे वैसे आए हुए थे ठीक है हमारा और भी क्वेश्चन थे इसके अलावा जैसे कि लेबर के अंदर कौन यूज होता है इक्विपमेंट ये क्वेश्चन भी आया था इसके अलावा भी डिजिज रूबेला का दूसरा नाम क्या है तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो ऐसे आए हुए थे रिकॉर्ड करने के लिए ठीक है हमारी प्रेगनेंसी के दौरान एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जाता कहीं और हो जाए तो ये क्वेश्चन भी आया था ठीक है बाकी और भी की लाइफ पैन आर बी सी का कितना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे अभी भी मेरे पास पंद्रह से बीस क्वेश्चन है तो बिना अपने टाइम को देखो गवाए हुए अभी भी आपके पास टाइम है ए का तीन से चार दिन बचे ए एन का एग्जाम होने में तो मॉक टेस्ट सीरीज खरीद लो जल्दी जल्दी सारे के सारे तीन दिनों के अंदर दस के दस मॉक टेस्ट को लगाओ और अगर आप इन मॉक टेस्ट में से मैराथन क्लास में से अगर आपको मिले ना क्वेश्चन ना आए तो अब आप मुंह पे कह देना कि क्वेश्चन नहीं आया लेकिन जैसे एच एस एस सी वाले बच्चे तो एग्जाम दे के आए उनसे पूछना है एक बार कि कितने क्वेश्चन मैराथन में आए हैं भाई और कितने कितने क्वेश्चन मैराथन में से आए और कितने क्वेश्चन हमारी मोक टेस्ट सीरीज में से आए तो आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा तो अभी ठान लिया ना हमने तो सिलेक्शन तक लेके जाएंगे ऐसे नहीं हम वादे करते तो अभी मैंने बोला ना कि सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा और ऐसे किसी बच्चे को लगता है कि मैम बहुत ज़्यादा वीक हूँ मैं तो अपना बैच भी शुरू हो रखा लक्ष्य बैच उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो ताकि आगे भी आएगा सी ऐसा तो है नहीं की वैकेंसी खत्म तो होगी तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ए एन एम के आगे भी वैकेंसी आएंगी और उसमें भी सीई होगा और उसमें भी क्या हमें अच्छे से सिलेक्शन देना है सिलेक्ट होना है तो इसीलिए अपना बैच को भी ज्वाइन करना है अगर जिसका एग्जाम सात को है तो मोक टेस्ट को ज्वाइन करना है सिलेक्शन पक्का लेना है अब मैं 2024 में नौकरी लेके ही रहनी है ठीक है तो जिस जिस ने बच्चे ने अभी तक ई सी अकेडमी के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है ई सी अकेडमी के नाम से यूट्यूब पर और क्यों सब्सक्राइब करना है अब यही पूछोगे तो कल को जो ए के बच्चे हैं जिनकी एग्जाम है उनके लिए मैराथन क्लास है चार से छ बजे तक ठीक है तो सभी को ई e. सी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है चार से छः बजे हमारी मैराथन क्लास होगी उसको ज्वाइन करना ताकि आपको जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए ठीक है जी और जिसने अभी बैच ज्वाइन करना बैच ज्वाइन कर सकता है मॉक टेस्ट सीरीज नहीं लेना तो पक्का ले लो मैं अपना पर्सनल व्यू बता रही हूँ कि क्यों लेना चाहिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट छोड़ लो मैंने भी अपना एग्जाम क्रैक करने पहले से मॉक टेस्ट सीरीज ज़रूर ली थी ठीक है सिलेबस अलग चीज़ होती है मॉक टेस्ट अलग चीज़ होती है तो मॉक टेस्ट भी लेने हैं ठीक है और अपनी तैयारी पर मेन फोकस करो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर थैंक यू वेरी मच